मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी लिस्ट आने के बाद भी सबसे ज्यादा चर्चा उन 9 मंत्रियों की सीटों को लेकर है जो फिलहाल होल्ड पर हैं। इनमें कई बड़े नाम हैं, जबकि कांग्रेस ने टिकटों में देरी की वजह श्राद्ध को बताकर फिलहाल पल्ला झाड़ लिया। यह रिपोर्ट आप देखिए। पहली दूसरी सूची ने खूब चौंकाया। चौथी सूची में बीजेपी को सेफ गेम भाया। जी हां, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को आचार संहिता ऐलान के करीब 4 घंटे बाद चौथी सूची जारी कर दी। इन 57 नामों की सूची में बीजेपी ने प्रयोगों से परहेज किया। 2 सूचियों में चौंकाने वाले निर्णयों के बाद इस सूची में संतुलित दांव चलकर वर्तमान विधायकों और मंत्रियों को ही मौका दिया गया। उलझन वाली सीटों को फिलहाल रोक लिया गया है। खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का टिकट भी बुधनी से घोषित किया गया है। इससे इनके चुनाव लड़ने या न लड़ने के सस्पेंस को पार्टी ने खत्म कर दिया है। इनके साथ ही सरकार के 33 में से 24 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। 9 मंत्रियों के टिकट घोषित नहीं किए गए हैं। नए मंत्री बने गौरीशंकर बिसेन का टिकट बचा है। अब 94 सीटें बची हैं, इसमें 58 विधायक, 9 मंत्री और 27 हारी हुई सीटें शामिल हैं। चौथी सूची में सिंधिया के साथ आने वाले 22 में से 9 विधायकों को भी टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री और 24 मंत्रियों के अलावा 32 विधायकों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। गौर करने वाली बात यह है कि चौथी लिस्ट में अधिकतर वो विधायक हैं जो 2 से ज्यादा बार जीत चुके हैं। बहरहाल बीजेपी की चौथी लिस्ट के बाद अब 24 मंत्रियों की टिकट फाइनल हो चुकी है। 9 मंत्रियों पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, राम खिलावर पटेल, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे सिंधिया, ब्रिजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया और सुरेश धाकड़ के नाम शामिल हैं। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही थी कि हम यहाँ कुछ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और गुजरात मॉडल सबके सामने था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इस बात को लेकर थोड़ा सा वो था कि उनको शक था कि क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए, वहाँ बड़े बड़े नेताओं को, पूरे मंत्रिमंडल को, सीनियर नेताओं को पहले बिठाल दिया गया, फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया और पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ा गया, तो गुजरात मॉडल कहलाया। उस गुजरात मॉडल के तहत मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे थे जो पहली सूची में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद की सूची में अचानक ये सारी चीज़ें नदारद हो गई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे थे, जिस तरीके से पार्टी में सुखबुगाहट हो रही थी, बड़े सीनियर नेता नाराज हो रहे थे, तो मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर आई है और उसने उन्हीं सीनियर नेताओं पर दांव खेला है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि साहब इन्हीं की वजह से हमें वापस यदि सत्ता मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पूरा ठीकरा केंद्रीय नेतृत्व पर जाएगा। 9 मंत्रियों की लिस्ट में हालांकि शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे सिंधिया का भी नाम है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन इनके अलावा 8 मंत्री और भी हैं जिन्हें लेकर तरह तरह की सियासी अटकलें लग रही हैं। हालांकि अब तक शिवराज सरकार के 73% मंत्रियों को टिकट मिल चुका है। इसके अलावा कुछ और भी सीटें चर्चा में है, मसलन इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उनके विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय का क्या होगा। चौथी लिस्ट में इंदौर 3 का जिक्र नहीं है, जहां से आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। उधर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 3 से 6 महीने पहले टिकटों के ऐलान की बात कह रही थी। वो कांग्रेस अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी टिकटों का ऐलान नहीं कर पाई है। दल होने के नाते सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, लेकिन ये वही कांग्रेस है जो जल्द ही सूची जारी करेंगे और वो जल्द ही करते करते उनका 1 महीना पूरा बीत गया है और अभी भी किस दिन जारी होगी कहना कठिन है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जैसे ही सूची जारी करेंगे सिर फुटअल होगी, मारपीट होगी, झगड़े होंगे, लेकिन वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सूचियाँ जारी करना थी वो कर दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने किस मापदंड को देखकर क्या निर्णय लिए हैं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर हाँ मुझे ये आभास है कि डर के मारे और डर और जनाक्रोश के कारण जो जनता का आक्रोश है
बहुत सारे ऐसे निर्णय राजनीतिक रूप से भाजपा लगातार गलत लेती जा रही है, और ऐसा होता है जब आक्रोश लोगों का सामने आता है, समझ में नहीं आता क्या करें, और मैं ये मानता हूँ कि निर्णय वो कुछ भी ले लें। ये एक अटल सत्य है कि 2023 की 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश की समस्त जनता भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन वाली सरकार को उखाड़ कर रवाना करने वाला है। पहली दूसरी सूची में चौंकाने वाली बीजेपी चौथी सूची में टिकट काटने से बचती दिखी। इस बार उलझन वाली सीटों को होल्ड कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी उलझनों को छिपाने के लिए फिलहाल पितृपक्ष के बाद टिकटों के ऐलान की बात कही है। मध्य प्रदेश में टिकट बांटने की तेज शुरुआत कर बीजेपी ने विरोधी टीम कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। हालांकि आखिरी पारी में बीजेपी की बैटिंग थोड़ी स्लो होती दिख रही है, जबकि कांग्रेस टिकटों के ऐलान के मामले में अब भी पवेलियन में खड़ी दिख रही है। कांग्रेस अब तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है। बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में जो नाम शामिल किए हैं उससे साफ जाहिर हो गया है कि बीजेपी ने एक बार फिर अपने अनुभवी नेताओं को ही मैदान में उतारा है और उन पर ही भरोसा जताया है, फिर चाहे वो गोपाल भार्गव हों, अजय विश्नोई हों या फिर बाकी दूसरे नेता, क्योंकि बीजेपी इस बार कोई भी गलती करना नहीं चाहती है और किसी भी तरह की नाराजगी नहीं चाहती है। यही वजह है कि बड़े नेताओं को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस भी कुछ इस तरह का दांव खेलने की जुगत में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि युवा नेताओं को ही मैदान में उतरना चाहिए। देखना ये होगा कि बीजेपी का ये दांव 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों में कितना असर डाल पाता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।